एवरीवन, वेलकम बैक टू सरफेस लाइव स्टडी। हम देखने वाले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का पार्ट टू। अगर पार्ट वन नहीं देखे तो आई बटन पे आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, उसमें मैंने बताया रिप्रोडक्शन क्या है, फुल बताया। ओके, उसका पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। एसेक्सुअल क्या है पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, ये सेक्सुअल बाकी है। अभी आज हम देखने वाले मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका सब टॉपिक है फर्मेंटेशन, बर्डिंग, स्पोरो फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखने वाले फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो ब्रेक करता है, जैसे कि इसको ये स्पायरोगायरा है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि ये स्पायरोगायरा है। तो जैसे ये स्पायरोगायरा यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तो ये देखिए ये ना ये ब्रेक करा तो ये दो हो गया, और यहाँ पे जाके ये बड़ा हो जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। ये हो गया, इधर ले लेते इसको। ये देखिए ये मेन बन गया, ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया। तो इसमें मेल भी नहीं मिला अपने को और फीमेल भी नहीं मिला। कहीं पे देखने को मिला अपने को फीमेल और मेल, नहीं ना। तो ये देख लो, ब्रेकिंग डाउन इनटू फर्मेंटेशन ड्यू टू सम रीजंस। तो एग्जांपल है स्पायरो वगैरह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ब्रीडिंग। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं ब्रीडिंग। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। और देख लेते सेकेंड वाला, इसमें यूनिसेल्युलर होता है, ये मेनी है यूनिसेल्युलर। ओके, इसमें यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर होता है। और ये और दूसरा वाला, और इसमें ईस्ट होता है, ईस्ट देख लेते हैं। और इसमें जैसे अब कभी ब्रेड लिए रहेंगे, उसको रख दिए, इसमें ब्लैक आ जाता है ना उसको। तो एक्यूस बाय द प्रोड्यूसिंग वन आर मोर आउट ग्रोथ बर्ड्स, इसमें हो जाता है। ओके, और ये देख लेते हैं, फ्रॉम दिस बर्ड्स न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेड होता है। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ब्रीडिंग का फिगर दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए, ये है ना ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग इन ईस्ट, आपके बुक में रहेगा क्लास 12 के। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे मदर सेल भी बोल सकते, पेरेंट सेल भी बोल सकते। ओके, और ये देखिए, ये चैन ऑफ बर्ड्स, इसको यहाँ से, ये है ना, ये यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, और ये ऐसा बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पोरो फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अक्यूर्स विद हेल्प ऑफ स्पोर। ओके, और इसमें मैनली अक्यूर्स इन फ्लोगलेटेड बॉडी होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी। और थर्ड वाला देख लेते हैं, द मोटाइल जो स्पोर इन क्लेमोडोनस कैन ग्रो द इंडिपेंडेंटली इंटू न्यू वन। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर, ये जैसे पोरो है, देखो इसमें क्या आता है, पेरेंट सेल होता है। ओके, यहाँ पे ये भी देख सकते हो, क्लैडोनस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल में होता है। ओके, ब्रीडिंग में एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ओके, हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए, ये जैसे ओकेशन, मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसमें कटिंग आएगा, ग्रफ्टिंग आएगा, टिश्यू कल्चर आएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।